हेलो एवरीवन, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ बिल्डिंग मटेरियल पार्ट टू, और हम आज देखेंगे टिम्बर। आई एम रुणाल पटले, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल डिपार्टमेंट, SRRT भोपाल। जो हमारे आउटलाइंस है इसके लिए आज हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है टिम्बर का, उसके यूजेस क्या है टिम्बर के, और टाइप्स क्या होते हैं टिम्बर के। ठीक है, हमें ये बात पता है टिम्बर मतलब वो चीज़, वो पार्ट प्लांट का जो कि हम इंजीनियरिंग यूज में यूज़ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द टिम्बर। द डेफिनेशन ऑफ टिम्बर इज द वुड विच इज़ सुटेबल और द फिट फॉर द इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन और द इंजीनियरिंग पर्पजेज इज कॉल्ड एज अ टिम्बर। यूजेस ऑफ टिम्बर, हमने देखा है बहुत सारे यूजेस है जो कि टिम्बर के हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। और किस किन चीज़ों में कर सकते हैं? हम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं, हम फर्नीचर्स में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे जो व्हीकल्स हैं जैसे नाव हो गई या शिप्स हो गया, वो भी वुड के ही बनते थे और बनते हैं स्टिल, है ना। और हम लोग ट्रस के लिए यूज़ कर सकते हैं, घर की रूफिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो टिम्बर के नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है। ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, घरों में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दैट ऑल आर द यूजेस ऑफ द टिम्बर। अब जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ द टिम्बर कि क्या क्या टाइप्स है। ठीक है, दो टाइप के टिम्बर होते हैं, एक होता है एक्सोजेनिक होता है, एक होता है एंडोजेनिक। ठीक है, एक्सोजेनिक का मतलब क्या होता है? एक्सोजेनिक मतलब इस टाइप के टिम्बर, ठीक है, जो हमें आँखों से दिखते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं सॉफ्ट वुड या फिर हार्डवुड बोलते हैं। ठीक है, जो कि वो खुद ही को क्या करता है, फैलाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट में फैलता है, उसको बोलते हैं एक्सो। और एंडो मतलब वो इंटरनल पार्ट में फैलता है। इंटरनल पार्ट में फैलता है मतलब कैसे है? अगर हम आम का एग्जांपल लेते हैं, आम के पेड़ का, और अगर हम बाम्बू का एग्जांपल लेते हैं, तो हम इससे क्लैरिफाई कर सकते हैं। ओके, अब हम जो देख रहे हैं वो एक्सोजेनियस ट्रीज देख रहे हैं। ठीक है, ये जो है द डेफिनेशन ऑफ दिस इज दिस आर द ट्रीज दैट ग्रो इन बल्क और बाय इंक्रीज इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस ट्री शो, यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स अंटिल न्यू वंस आर ग्रोन, हेंस दे आर कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज। दिस ट्रीज कंसिस्ट ऑफ अ सर्क्यूलर रिंग अलोंग हिज हॉरिजॉन्टल सेक्शंस दैट इज एडेड अप टू ईयर, हेंस द टर्म एज अ एनुअल रिंग्स व्हिच इज हेल्पफुल इन द फाइंडिंग द एज ऑफ ट्री। दिस इज द प्रॉपर्टी। आप जब when you cut the tree trunk, that time you see there many rings are there, and this type of ring showing the age of that particular plant. So annual ring represent the age of the plant. Okay, the next is the wood used for the engineering purpose is mostly derived from the this type of trees only, because the exogenous, that is which can grow in bulk or by increase in outward direction. So in that way, okay. Now the next one is endogenous trees. Endogenous trees, that is that these are the trees which grow in the bulk in inward direction and consist of fibrous mark. Okay, this type of like bamboo canes, palm tree, this type of trees are the endogenous. Now get it, the difference between the exogenous and the endogenous. Okay, now we will study about the exogenous. There are the so many types of the trees, including this. The first one is the softwood tree and the hardwood tree. Softwood trees, cheer, deodar, pine, spur, and deciduous trees, that is the sal, teakwood, bamboo. These all trees are the hardwood tree. And we know the teakwood is very famous for the construction purpose also. Okay. Now the next one is the structure of the trees. There are the two main type of the structures in the tree. First one is a micro and macro. Okay, and now in our study we can study the micro structure. The first one is the micro structure, that is the part of that part of the wood which can visible to the naked eye or a small manufacturer is known as a micro. And this shows the microstructure in the exogenous trees only. Exogenous, that is which grow in the outward direction, that is the exogenous lecture. From next lecture we can study the microstructure and what are the different microstructure of the trees or the plant.
ओके इन टिम्बर।